क्या हाल चाल आप लोगों का। चलिए आज हमारी अगली क्लास कंटिन्यू होगी। आप एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं हमारे साथ पिछली क्लास का, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जरा याद करो पिछली क्लास में हमने क्या किया था। हमने कोई नई बात नहीं की थी, आपको याद होगा। हमने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। एक आपका होता था जी फ्लक्चुएटिंग, जो पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था, और एक होता है आपका फिक्स कैपिटल मेथड आपका। आपको याद होगा इस मेथड के अंदर में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था आपका कि यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपको याद आ रही है बच्चे? सर हाँ जी सर, हमें याद आ रही है, हमने पिछली क्लास में ये काम किया था। आप याद करो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो पार्टनर्स के अकाउंट बनाते हैं, अगर हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल का, तो ए और बी अगर मान लो दो पार्टनर्स हैं। याद आ रही है सर? हाँ जी सर, सारी बातें याद है। कुछ बड़ी बात थोड़े सिखाया था आपने, छोटी छोटी बातें तो सिखाया था। तो आपने यहाँ पे क्या किया था, कैपिटल का लिखा था बाई बैलेंस बीडी, यानी कि कैपिटल का आपने ओपनिंग बैलेंस, शायद मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको फॉर्मेट नहीं दिया था। मैंने आपको फॉर्मेट दिया था बच्चे? फॉर्मेट शायद नहीं दिया था, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे फिर उसको। यहाँ पे दिया था तो भी ठीक है, नहीं दिया था तो भी ठीक है आपका। तो एक तो आपका यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा जी आपका, ठीक है। उसको बताइए और यहाँ पे क्या आया था बच्चों, और बताइए क्या आया था? सर यहाँ पे आया था एडिशनल कैपिटल आपका। एडिशनल कैपिटल हमने क्या किया था, पार्टनर्स का यहाँ पे दिखाया था आपका, ठीक है। आप मुझे बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्या आया था? सर यहाँ पे आपने ड्रॉइंग्स लिखा था, ड्रॉइंग्स आपका। कोई बताएगा कौन सी ड्रॉइंग्स आएगी? सर रेगुलर ड्रॉइंग्स आएगी। ठीक बोल रहा हूँ ना? नहीं सर गलत, आप सर भूल चुके हो, आप बुढ़े हो चुके हो ना, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे ड्रॉइंग्स जो था वो परमानेंट था, परमानेंट ड्रॉइंग्स। अगर ड्रॉइंग्स आपका परमानेंट होगा तो ही आपका यहाँ पे निकल के आएगा। हमने कहा था ड्रॉइंग्स दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर एक आपका परमानेंट। तो परमानेंट ड्रॉइंग्स क्या होगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा और फिर आपका टू बैलेंस सीडी। मैंने लिखाया था आप लोगों को, आपको याद होगा कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दो नाम आते हैं, एक ओपनिंग कैपिटल एक एडिशनल कैपिटल आपका। क्रेडिट आपका डेबिट साइड में दो नाम आते हैं जी, एक आपका ड्रॉइंग्स आएगा। कौन सा ड्रॉइंग्स आपका? परमानेंट। हमने इसका एक और भी नाम दिया था, आप भूल गए? नहीं सर हमें याद है, आपने कहा था ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। हाँ बच्चे ठीक है, ये भी था आपका। और फिर क्लोजिंग बैलेंस आपका, सब कुछ तो याद है, मैं क्यों बताऊँ फिर आपको। और फिर आपने क्या किया था, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हमने कहा था कि इनको छोड़कर जितने भी चीज़ें पार्टनर्स से लेन देन होंगी वो सारे लेन देन क्या होंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएंगे। याद है आपको? सर हाँ जी सर हमें याद है। चलो फिर एक काम करते हैं, और तो कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने, मैंने आपको ड्रॉइंग्स से दो टाइप बता दिए थे जी सॉरी एक रेगुलर एक परमानेंट आपका। अगर ड्रॉइंग्स बताता है कि कौन सा तो वो मान लेंगे आपका, अगर ना बताया तो ड्रॉइंग्स को हम क्या माना करते थे, याद है आपको? सर हाँ जी सर, आपने कहा था रेगुलर ड्रॉइंग्स मान लेना। तो रेगुलर ड्रॉइंग्स मानते हुए कहाँ चला जाएगा वो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ड्रॉइंग्स रेगुलर या परमानेंट जो होगा वो आपको यहाँ समझना है, लेकिन जब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग के अंदर में तो कोई भी ड्रॉइंग्स हो वो कहाँ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट में। आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी है बच्चे कि चला बताओ राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट आपका। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत हद तक बातें पता चल चुकी होंगी दोनों में क्या फ़र्क है। आप चिंता ना करना, जब कोई चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर के एंड में हम उसकी पूरी थ्योरी भी आपके साथ पढ़ेंगे। मतलब हमारा टारगेट जो होगा हमेशा 100 मार्क्स होगा, एक नंबर भी कम हमें गवारा नहीं है, एक नंबर भी कम भी नहीं। आइए जरा आज शुरुआत करता हूँ मैं आपको फॉर्मेट के साथ। कई सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर आप लगातार बोले जाते हो। नहीं बच्चे लगातार नहीं बोलता मैं, लगता कि मैं आपके दिमाग के साथ चलता हूँ। अगर आपका दिमाग मेरे शब्दों के साथ चलता है इसका मतलब कि आप बिल्कुल चल रहे तरीके से, मैं भी तरीके से चल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर थोड़े फास्ट हो गए हैं बस वहीं पे पहुंच कर दो, रोक दो मुझे, आपके हाथ में ही तो हूँ, आप रोको फिर काम करना आगे बढ़ेंगे। चलिए आज शुरू करता हूँ मैं चैप्टर को, आगे बढ़ाता हूँ। हमने रिवीजन कर लिया पिछली क्लास में, कुछ नई बात तो हमने की नहीं थी। एक काम करते हैं आज की शुरुआत करते हैं फॉर्मेट के साथ। मुझे याद आ गया मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मेट नहीं दिया था, फ्लक्चुएटिंग के अंदर में मैंने फॉर्मेट दिया था, लेकिन फिक्स के आगे में प्रॉपर फॉर्मेट मैंने नहीं दिया था। तो आइए मैं पहले आपको फॉर्मेट लिखाऊं, फिर एक बहुत गंदा क्वेश्चन, वो गंदा क्वेश्चन जो सिर्फ आप और हम करेंगे,
दुनिया के और कोई बच्चे नहीं कर सकते बच्चे, हम वो भी देखेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर में आपका। और अगर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जी, सॉरी माफ़ कीजिए। और इसके बाद हमारा सबसे प्यारा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक आपके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिस्टम निकालना, वो भी हम सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए जरा आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, पहले तो हेडिंग डालेंगे आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेरे साथ लिखेंगे बच्चे, आपको आगे पीछे नहीं लिखना, आपको मेरे साथ लिखना है। आप भूल तो नहीं गए, इस मेथड के अंदर में आपने एक बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर आप ना बहुत साफ, मतलब एक साथ नहीं लिख लेते हो आप, मुझे ठीक से दिखता नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, आपको सब कुछ सुना तो रहा हूं मैं, हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है बच्चे। आप भी कल को जब बड़े बन जाएंगे तो आप फास्ट लिखेंगे, देखा आपने डॉक्टर की हैंडराइटिंग कैसी होती है, तो हम CA CMA की हैंडराइटिंग भी लगभग उसी तरीके से हो जाती है। डॉक्टर आपके बॉडी का इलाज करता है, हम कंपनी का इलाज करते हैं। हम लोग कह जाते हैं जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम कह जाते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम कंपनी के डॉक्टर हैं, कंपनी के अंदर जितनी सारी कमियां होती हैं हम उसको दूर करते हैं। डॉक्टर आपके शरीर के अंदर दूर करता है और हम कंपनियों की कमी को दूर करते हैं। आइए जरा मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो आपने यहाँ लिखा जी ए और बी आपका यहाँ पे, मुझे बताओ इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, मैक्सिमम बातें बताइए। ये मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट है बच्चे। फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप देखेंगे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा अगर कुछ आया तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको पता है ना, एक तो पार्टनर्स का बाई बैलेंस BD आएगा यहाँ पे, बाई बैलेंस BD यानी कि आपके कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपका, ठीक है ना सर? हाँ जी। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एडिशनल कैपिटल। तो अगर मान लो एडिशनल कैपिटल आपने दिया है बैंक के थ्रू तो आप बाई बैंक बोल देंगे, अगर आपने कैश में दिया होगा तो बाई कैश बोल देंगे, जो भी कुछ देंगे जी आप यहाँ पे आप उसको लिखेंगे। लिख देता हूँ ब्रैकेट में, आपको दिक्कत ना हो रिविजन में। ये एडिशनल कैपिटल देने की एंट्री है बच्चे, एडिशनल कैपिटल। साल के बीच में अगर हमने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। इस साइड क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू कैश या टू बैंक, या कह दो आप यहाँ पे टू ड्रॉइंग्स। कोई बताएगा ये कौन सी ड्रॉइंग्स है, ये कौन सी ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूँ? सर ये ड्रॉइंग्स आपका है परमानेंट ड्रॉइंग्स। परमानेंट तो नाम है, परमानेंट जो है बच्चे वो तो नाम है। अगर आपने यहाँ पे क्या करना है जी, अकाउंट्स बनाना है तो आप टू कैश लिखो, टू बैंक लिखो, या कह दो टू ड्रॉइंग्स, आपकी मर्जी। लेकिन ध्यान रहे तीनों का मतलब यहाँ पे परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका है, परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका। फिर जो बच जाएगा आप उसको लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस CD, आपका जो बच गया उसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। खत्म हो गई बात आपका, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। लिख लो आप यहाँ पे पहले कैपिटल अकाउंट आपका, आप लिख लो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। मैं बता रहा हूँ टू द मैक्सिमम बातें क्या निकल के आएंगी, इन्हीं बातों को पिछली क्लास में नोट के रूप में मैंने आपको लिखाया था, आपको याद होगा। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आएगा, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आएगा, परमानेंट ड्रॉइंग्स यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। अच्छा इसके बाद अब आप लीजिए मेरे साथ यहाँ पे फॉर्मेट, आप लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट आप मेरे साथ देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट आपका। तो आओ जरा देखते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे। सर हमें पता है, मुझे पता बच्चे आप जानते हैं, फिर भी मैं उन बातों को यहाँ पे लिखूंगा, मुझे भी मन करता है कुछ बताने का आपको, सब कुछ तो आपको आता ही है। हमने पता नहीं बुक्स में कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी कर ली हैं, आप दिखाऊंगा मैं आपको, आप बहुत कुछ जान चुके हैं जी। ए बी आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आने वाला है, तो देखेंगे एक बार यहाँ पे करंट अकाउंट याद है ना, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ जाएगा, बाई बैलेंस BD आपका, ये हो गया जी आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपका। फिर बताइए और क्या आएगा, अगर इन्होंने जरा बताओ एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आएगा? नहीं सर, एडिशनल कैपिटल तो हमने यहाँ लिख दिया, तो फिर प्रॉफिट का जो अमाउंट इनको मिलेगा जी वो आएगा, यानी कि आपने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलेगी वो यहाँ पे आएंगी, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया वो यहाँ लिखा जाएगा, जैसे कि पार्टनर्स को सैलरी मिल गया, सैलरी वो मिलेगा जी, पार्टनर्स को कमीशन मिल गया, कुछ भी याद रहे पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलेगा। और एक नाम और लिखिए शेयर इन प्रॉफिट आपका, अगर प्रॉफिट में कोई शेयर है वो अमाउंट आपका, जो कुछ भी मिलेगा
वो सब कुछ हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो सैलरी को भी आपने यहाँ लिखा जी, जिसका जितना जितना अमाउंट होगा, कमीशन भी आपने लिखा, और भी कोई बातें क्वेश्चन करेगा हम वो भी कर लेंगे। हाँ, पार्टनर्स को प्रॉफिट में से जो भी कुछ मिलेगा उसको हमें यहाँ पर लिखना है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉइंग्स, यानी कि टू कैश, टू बैंक या फिर टू ड्रॉइंग्स। आप में से मुझे कोई बताएगा बच्चों कि ये कौन सी ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूँ, ये कौन सी ड्रॉइंग्स है, जरा मुझे बताइए। सर ये है आपका रेगुलर ड्रॉइंग्स, रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका, रेगुलर ड्रॉइंग्स जो आपका होगा, यानी कि जो ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट था वो आपका ड्रॉइंग्स यहाँ पे आएगा। परमानेंट ड्रॉइंग्स यहाँ चला जाएगा, रेगुलर आपका यहाँ चला जाएगा। फिर आपने यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर आपने कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो वो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप। तो ये लिखा आपने जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट। और फिर लास्ट में जो अमाउंट बच गया, लास्ट में जो अमाउंट बच गया टू बैलेंस सीडी, वो आपका यहाँ चला गया, खत्म होगी बात। टू द मैक्सिमम करंट अकाउंट में जो बातें आएंगी वो इतनी आएंगी, इससे ज़्यादा बातें क्या आ सकती है, जरा बताओ। आप छोटे बच्चे थोड़े हो, आप तो सब कुछ जानते हो, ये काम पूरा किया आपने। आप कॉपी करें, आप इसको कॉपी करें। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो सिर्फ क्वेश्चन आप और मैं जानते हैं, बस दुनिया का कोई भी आदमी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, बहुत डिटेल में। हम हमेशा अपने लेवल को थोड़ा सा अप रखेंगे बच्चे, 12वीं क्लास से थोड़ा सा ऊपर आपका। सर फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर आप थोड़े से ऊपर लेवल की तैयारी कर लो तो नीचे लेवल की तैयारी बहुत सिंपल लगने शुरू हो जाती है। अगर मैं आपको इतने लेवल की तैयारी करूँगा तो फिर ये तो आपका चरण सीमा हो जाएगा बच्चे, ये टफ लेवल हो जाएगा। लेकिन मैं तैयारी को अगर यहाँ कर दूँ तो फिर ये चीज़ आपको बहुत सिंपल लगना शुरू हो जाएगा। हम उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, हमें टारगेट हमारा 100 होगा, बस 99 भी गवारा नहीं है। आप कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने सर? हाँ, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत स्लोली मैं कुछ बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। और मेरे साथ अगर आप एग्री करोगे तो ही ठीक है। सॉरी, अगर आपने कह दिया कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो तो मैं वहीं रुक जाऊंगा बच्चे, दोबारा अपनी बातों को समझाऊंगा। चेक कीजिए मेरे साथ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, आप चेंज नहीं करना, आप चेंज नहीं करना। ये देखो, आप मान लो ए का जो कैपिटल है वो पहले से 1,00,000 रुपये का अमाउंट था, करंट अकाउंट का बैलेंस, मान लो करंट अकाउंट के बैलेंस की बात कर रहा हूँ। याद रखना, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे करंट अकाउंट हो, दोनों कैपिटल ही तो है। तो जिनका क्रेडिट बैलेंस हमने कहा था, उनका बढ़ना क्रेडिट करेंगे और उनका घटना डेबिट करेंगे, पता है ना सर? हाँ जी। तो मैं और लिखता हूँ, मान लो इनको 40,000 रुपये का इंटरेस्ट निकला। सर रुक जाओ, हमें भी लिखना है। नहीं बच्चे, आपको नहीं लिखना, आपको अपने दिमाग में यूज करना है, दिमाग में बातें बैठानी है जो मैं बोल रहा हूँ, सारी बातें थोड़े लिखूंगा। 1,00,000 ये हो गया, 40 हो गया, मान लो सैलरी इनको 20,000 रुपये मिल गए, 20,000 रुपये। मान लो इनको कमीशन जो है वो 10,000 मिल गया आपका, और मान लो प्रॉफिट में हिस्सा है इनको, मैं कितना ले लूँ बताओ जरा? चलो मान लो 30,000 रुपये, मानने की तो बात कर रहा हूँ, मान लो आपका। तो मुझे बताओ, 1,00,000 रुपये करंट में इनमें पहले से पैसे थे, 1,00,000 में से 1,00,000 के बाद 40, 20, 10 और 30, टोटल कितना हो गया? ये हो गया सर 2,00,000 रुपये आपका। तो 2,00,000 रुपये इनके करंट अकाउंट में टोटल आ चुके हैं, पहले से 1,00,000 रुपये था। इस बार जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उस प्रॉफिट में 1,00,000 रुपये और आपके अकाउंट में ऐड हो गया, तो 1 और 1 मिलकर कितने हो गए? 2,00,000 रुपये। अच्छा, अभी इस साइड आइए, मान लो 2,00,000 में मैं इस नाम को हटाता हूँ, मान लो ये नाम नहीं है, मान लो कुछ भी हो सकता है, मैं सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब बताओ 2,00,000 रुपये है, लेकिन ए को घर में खूब सारे पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, खूब सारे पैसे, और उस केस में क्या हुआ जी कि अपने घर के पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर ड्रॉइंग्स का, मैं बात परमानेंट ड्रॉइंग्स की नहीं कर रहा हूँ बच्चे। परमानेंट ड्रॉइंग्स तो यहाँ चला जाएगा, मैंने कहा था वो जब कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना होता तब हो जाएगा, उसकी बात ही छोड़ दो आप। मैं कह रहा हूँ कि यार 1,00,000 रुपये आपका अकाउंट में पहले से थे, 1,00,000 प्रॉफिट का और आपको मिला, 2,00,000 रुपये हो गए, लेकिन घर में मान लो आपकी बीवी बीमार हो गई, आपके बच्चे बीमार हो गए, आपके मतलब पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, और मान लो उस केस में उनको खूब सारे पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, उन्होंने क्या किया, बिजनेस से जो ड्रॉइंग्स कर लिया वो मान लो कर लिया 2,50,000 रुपये, मान लो ड्रॉइंग्स जो है 2,50,000 रुपये कर लिया। तो आप मुझे बताओ ना, 2,00,000 रुपये आपके अकाउंट में थे जी, मतलब बिजनेस में करंट अकाउंट जो आपका था उसमें 2,00,000 रुपये थे, लेकिन आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई,
और आपने क्या किया, 2 लाख से ज्यादा पैसा बिजनेस से निकाल लिया। सर ये कैसे हो सकता है, मेरा पैसा बिजनेस में अगर 2 लाख रुपए है तो 2 लाख से ज्यादा कैसे निकाल सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकते? अरे बिजनेस भी तो आप ही का है, बिजनेस आप ही का है ना। अगर आपका पैसा 2 लाख रुपए है, पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा आ गई, तो ऐसा थोड़े कि बिजनेस सिर्फ 2 लाख रुपए ही है, बिजनेस में तो कितने सारे पैसे पड़े हुए। कोई बात नहीं, 50,000 ज्यादा निकाल लेना, बाद में बोला कि हम बाद में पे कर देंगे जी, यही काम होगा ना, ये कोई टेंशन की बात नहीं। मैं और आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और हमने कहा कि यार मेरा पैसा तो बिजनेस में 2 लाख रुपए बट रिक्वायरमेंट 2.5 लाख की है। आप मुझे बताओ कि आप क्या बोलोगे, ना जी आप 2.5 लाख नहीं निकालोगे, रिक्वायरमेंट है यार, घर में काम है, मुझे पैसे चाहिए। तो कोई बात नहीं, बिजनेस से निकाल लो और क्या करना, बाद में कभी दे देना, यही तो काम होगा। या अगले साल जो प्रॉफिट होगा उसमें 50,000 रुपये कम विड्रॉ करना। आप मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि 2 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में है, अगर आपने 2 लाख से ज्यादा विड्रॉ कर लिए तो जरा बताओ कि क्या क्लोजिंग बैलेंस आपका यहां निकल के आएगा। आप बताइए क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा? नहीं सर, जब 2 लाख था और 2.5 लाख विड्रॉ कर लिया तब तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपका निगेटिव हो गया। ये ठीक उसी तरीके से जैसे बैंक में आपका 2 लाख रुपए और विड्रॉ कर लिया 2.5 लाख रुपए, तो बैंक क्या बन गया, बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया बच्चे, ओवरड्राफ्ट। उसी तरीके से अगर बिजनेस में कैपिटल अकाउंट में अगर आपका 2 लाख रुपए है और 2 लाख से आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो बाकी 50,000 रुपये क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। हम इसको ओवरड्राफ्ट ना कहकर कह देंगे यार आपका अपोजिट बैलेंस हो गया। तो पता है बच्चे फिर टू बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं आएगा। फिर जरा बताओ बैलेंस शीट कहाँ पे आएगा जी, क्लोजिंग बैलेंस फिर इस साइड आ जाएगा, इस साइड आपका। अच्छा हाँ, क्योंकि 2.5 लाख माइनस 2 लाख तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका लिखा जाएगा बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट। 2 लाख ही हमारे अकाउंट में था, विड्रॉ 2.5 लाख हो गया, तो ये कितना निकल के आ गया, 50,000 रुपये का अमाउंट आपका, 50,000 का अमाउंट, 50,000 का अमाउंट। अब सुनो मेरी बात, आपका करंट अकाउंट निगेटिव हो गया बच्चे, निगेटिव हो गया। 2 लाख के जगह पे अगर 2.5 लाख विड्रॉ कर लिया तो अकाउंट में पैसे आपके नहीं है, आपने अकाउंट से पैसा ज्यादा निकाला हुआ है, यानी कि 50,000 रुपये का आपका निगेटिव बैलेंस हो गया, निगेटिव बैलेंस आपका हो गया। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, समझ में आ रही है। यहाँ पे निगेटिव बैलेंस हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जरा, मुझे ये बताओ कि ये हो गया आपका 31 दिसंबर को मान लो 2015 में आपका निगेटिव बैलेंस। अब मुझे आप ये बताइए कि अगले साल का, मैं ऐसे ही आपको लिखना नहीं है, बस सुनना मेरी बात आपको। अगर अगले साल का मान लो मैं करंट अकाउंट बनाऊंगा ए का और बी का, अगर अगले साल का मैं बना रहा हूँ जी करंट अकाउंट, हर एक साल बनता है बच्चे, जो इस साल एंड हो गया वो अगले साल शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि अगले साल अगर मान लो कि यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी आ गया 50,000 रुपये, तो अगले साल जब ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस, तो फिर इस साइड आएगा ना बच्चे बैलेंस आपका, टू बैलेंस सीडी आपका। जो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी होगा, यहाँ पे क्या होगा जी, टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। कितना अमाउंट का आपका, 50,000 रुपये का अमाउंट आपका, 50,000। इसका मतलब होता है कि भैया ए के अकाउंट में से 50,000 रुपये पहले से निकले हुए, यानी कि ए ने 50,000 रुपये ज़्यादा निकाला हुआ बिजनेस से आपका, निकाला हुआ आपका। आप इसको समझ लो थोड़ा सा, अपने आप खुद टाइम लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ भी तो नहीं समझाया, कहाँ कुछ बताया, मैंने कहा कि यार 1 लाख पहले से था, 1 लाख और अकाउंट में ऐड किया तो 2 लाख रुपये आपके अकाउंट में है, लेकिन 2 से आपने ज़्यादा निकाल लिया। आप बताओ, फर्म अलग है और पार्टनर अलग है, मैं फर्म की बात कर रहा हूँ, मैं पहली क्लास से बोलते आ रहा हूँ, फर्म की बात कर रहा हूँ। फर्म के पास आपका 2 लाख रुपए था, यानी कि फर्म को आपने 2 लाख रुपए दिए थे और फर्म से आपने 2.5 लाख रुपए निकाल लिए, तो 2 लाख रुपए अकाउंट में था और 2.5 लाख रुपए आपने निकाल लिया, तो चलो बताओ फर्म से आपने ज्यादा कितना ले लिया, 50,000 रुपए, यही हुआ ना। स्लो 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 ठुक, रुक जाओ जरा, रुक जाओ। फर्म से आपने 50,000 रुपए ज्यादा ले लिया, तो मुझे ये बताओ कि फर्म जो है वो 50,000 रुपये आपसे यानी कि पार्टनर से वो लेगी या उनको देगी? सर समझ में नहीं आया, दोबारा सुने आप। फर्म ने देखा कि फर्म के पास आपका टोटल अमाउंट कितना है जी, 2 लाख रुपए। फर्म के पास 2.5 लाख रुपए है ना सर? हाँ जी। तो फर्म के पास आपका 2 लाख है, लेकिन आपने यानी कि पार्टनर ने क्या किया जी, फर्म से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। आपका पैसा 2 लाख रुपए था, आपने 2.5 लाख रुपए निकाल लिया, तो जो 50,000 रुपए ज्यादा आपने निकाल लिया, सिर्फ इतना बताओ फर्म
वो पैसा आपसे वापस लेगी कि नहीं लेगी? सर लेगी, क्यों नहीं लेगी जी? हिसाब उसको रखना पड़ेगा कि हाँ जी 50,000 रुपये ज़्यादा निकाला। फर्म आपसे 50,000 रुपये लेगी ना बच्चे, इस साल ना सही अगले साल लेगी जी, बट लेगी जरूर। आप मुझे बताओ कि अगर फर्म कहते हैं कि वो आपसे 50,000 रुपये लेगी, तो फर्म का वो एसेट है कि लायबिलिटी है? अगर फर्म ने आपसे 50,000 रुपये लेने हैं, फर्म के पास एक राइट आ रहा है कि मुझे पैसा लेना है, तो जरा बताओ फर्म का वो एसेट्स है कि लायबिलिटी है? सर राइट आपने कहा था, एसेट्स होता है। एसेट्स यानी कि फर्म क्या बोलेगी कि भैया मेरा तो एसेट्स है। और याद करो आप, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जितने भी एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, कहा था ना मैंने सर? हाँ जी, तभी तो ये देखो जब करंट अकाउंट बनाया तो ए का क्या डेबिट बैलेंस आ गया। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि फर्म ने वो 50,000 रुपये आपसे लेने। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दो नंबर का, मान लो क्वेश्चन कहता है कि जरा बताओ करंट अकाउंट में क्या हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा या फिर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है? मैं बात कर रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे कि जरा बताओ कि करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, सॉरी उल्टा बोला, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा या फिर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है? सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अभी तो मैंने प्रूफ किया कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है आपका। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर आपका जरा बताओ पूछ दिया जाए कि डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा या कुछ भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर मेरा पैसा फर्म में है तो क्रेडिट बैलेंस है जी। अगर फर्म से हमने ज्यादा विड्रॉ किया हुआ है तो फर्म के पास डेबिट बैलेंस होगा। फर्म वो पैसा में क्या बोलेगा जी हमें आपसे जी लेना है, तो डेबिट बैलेंस आपका। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या, लिखिए एक नोट, आप एक नोट लिखेंगे, मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग में बात बैठे, आप इसको रटो ना बच्चे, रटोगे मुझे बड़ा गंदा लगेगा, आपको भी गंदा लगेगा, पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं रटने के बाद कि कैसे हुआ कैसे हुआ। मैं तो आपको समझा रहा हूं, तो आप लिखिए मेरे साथ यहां पे इंपॉर्टेंट नोट, जहां पे करंट अकाउंट आपने खत्म किया उसके बाद लिखिए यहां पे इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट आपका। नंबर वन, कहते हैं कि यूजुअली पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस आपका। यूजुअली मतलब जनरली, यूजुअली का मतलब क्या हो गया बच्चे, जनरली यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, बट समटाइम्स कभी कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो डेबिट बैलेंस। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट में जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपको बोलता है यार पार्टनर्स करंट अकाउंट 2,00,000 रुपए, आपको नहीं बोलता कि कौन सा बैलेंस है, तो हमेशा क्या मानेंगे आप? क्रेडिट बैलेंस आपका है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि यार उसका डेबिट बैलेंस है, तो आप टेंशन ना लेना, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस माना जाएगा आपका, डेबिट बैलेंस यहाँ माना जाएगा। तो हमने कहा कि यूजुअली पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस आपका, बट समटाइम्स पार्टनर्स करंट अकाउंट मे शो डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब क्या जी? आपका मतलब पैसा बिजनेस आपने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है, यानी कि फर्म ने वो पैसा आपसे लेना आपका, ठीक है ना सर? हाँ, नोट नंबर टू हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब मैं करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, मैं इनकी बात कर, ये तो हमेशा आपका क्या होगा कि क्लोजिंग यहाँ यानी कि ओपनिंग यहीं पर दिखाएंगे, ये हमेशा याद रखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस को ही दिखाएगा, हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट को ही दिखाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कम नहीं हो सकता। अगर बिजनेस में आपका कैपिटल, अगर फिक्स मेथड की बात कर रहा हूँ बच्चे, फिक्स मेथड में अगर कैपिटल आपका 5,00,000 रुपये है, तो 5,00,000 हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब आपका ही रहेगा। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज ऑलवेज
शोज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस आपका, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही दिखाया जाएगा आपका, क्रेडिट बैलेंस आपका ही हमेशा होगा, कभी इसका डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों, जरा बताओगे क्यों ना, क्यों ना बताओ। होता क्या है कि करंट अकाउंट खोलने का मतलब ही है बच्चे कि जो भी हमें पैसे निकालने हैं लाने सब यहाँ बात करो जी, कैपिटल अकाउंट यानी कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो ओनर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बिजनेस के अंदर में वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर बिजनेस क्या कर रहे हैं जी, फिर बिजनेस क्या है, अगर हमारा ही पैसा बिजनेस में नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा। तो मेरा कहना है कि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या करेगा, क्रेडिट बैलेंस को दिखाएगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट ऐसे तो क्रेडिट बैलेंस को दिखाता है बट कभी कभी डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है आपका। एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा है, मैंने पढ़ लिया उस सवाल को, वो आपका सवाल ये है कि सर एक बात बताओ, ये जो आपने लिखा क्रेडिट बैलेंस, ये लिखा डेबिट बैलेंस, ये लिखा आपने क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंस किनको कह रहे हो आप, ओपनिंग बैलेंस कह रहे हो कि क्लोजिंग बैलेंस कर रहे हो। आपका सवाल चला कि सर ये जो क्रेडिट बैलेंस कह रहे हो ये क्या, ये क्रेडिट बैलेंस क्या है, ओपनिंग की बात कर रहे हो कि क्लोजिंग की बात कर रहे हो। तो मेरे बच्चे ये सवाल ही गलत है। पूरे अकाउंटेंसी में जब भी किसी अकाउंट में कहा जाता है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो मेरे बच्चे वो ओपनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो ओपनिंग बैलेंस के बारे में कहता है। ये बात हमेशा याद रखना पूरे अकाउंटेंसी एंड तक, चाहे वो आपका 12वीं क्लास है, चाहे वो आपका CA, CMA, CF, BCom, कुछ भी करो आप, सब जगह जब भी कहता है किसी भी अकाउंट में कहता है क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। तो ये जो नाम है ना बच्चे, ये हमेशा बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस के बारे में, यानी कि साल के स्टार्टिंग में जो बैलेंस लिखा जाएगा, साल के स्टार्टिंग में जो बैलेंस लिखा जाएगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, उसके बारे में बात की जाती है। ये कभी भी क्लोजिंग के बारे में नहीं कहते, मतलब हमेशा आपको ओपनिंग के बारे में दिमाग में सोचना है, ओपनिंग के बारे में आपका, ठीक है ना सर। हाँ अब समझ में आया। अच्छा जरा शॉर्ट में पढ़े, हम लोगों ने क्या बोला अभी देख, मैंने क्या समझाया, कहाँ कुछ पढ़ाया, लगभग 20-25 में मैंने खराब कर दिए। मैंने एक फॉर्मेट तो आपको दिया, हाँ एक छोटी सी बात आपको बता दी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में हमेशा आपका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट। ये क्रेडिट में ओपनिंग की बात कर रहा हूँ कि क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ सर, ओपनिंग, हाँ मतलब ओपनिंग, जब भी ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा तो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा, ये पक्का है। लेकिन जो करंट अकाउंट है उन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जनरली आपका करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन क्वेश्चन खुद अगर कह देगा कि नहीं जो उनका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दूंगा यार। और ये डेबिट क्रेडिट किसके बारे में बात कर रहा हूँ सर, ओपनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ओपनिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको मेरी बात तो कुछ समझ में आती नहीं है, बोले जा रहा हूँ, आप सर एक क्वेश्चन करा दो ना, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करा दो जी, आपने जो पिछली क्लास में कराया था कुछ और आगे बढ़ा दो। तो ठीक है मैं इसको मिटाता हूँ, आप लिख लो इसको, और मैं आपके लिए कराता हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, मिटाता हूँ मैं इसको, मिटा दूँ सर, हाँ जी ये लीजिए आप, मैंने इसको मिटाया, इसको मैंने मिटाया बच्चे आपके लिए, ये हमने क्या क्या मिटा दिया। आइए जरा मैं यहाँ पे आपको मिटाता हूँ, मैं आपको नहीं माफ़ कीजिए, मैं इस नोट को मिटाता हूँ, आपको कैसे मिटा सकता हूँ, आपको कैसे मिटा सकता हूँ, लिखे मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे आप। आज पिछली क्लास में दो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हुए थे, आज शुरू कर रहा हूँ जी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, और फिर इसके बाद हम बुक पे आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन किसी बुक से उठाओ आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, देखना जरा यहाँ पे क्या होगा। लिखिए मेरे साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में, कहता है इस बार ये लीजिए डायग्राम के साथ, आपको और अच्छा लगेगा। कहता है कि 1 जनवरी 2016, कहता है कि यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट आपका ए का और बी का, ए का कहता है जी आपका 7 लाख का अमाउंट है बच्चे, 7 लाख, और बी का कहता है कि 3 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट आपका, कैपिटल अकाउंट। फिर कहता है आपका यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ कहता है जी ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने पूरे साल में, कहता है कि जो ड्रॉइंग्स किया है, ड्रॉइंग्स मेरे बच्चे इस बार क्या हो रहा है, ड्रॉइंग्स वो दो तरीके का हो रहा है, एक ड्रॉइंग्स बता रहा आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स, आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स, एक बता रहा आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स, मेरे साथ लिखेंगे आप लोग मेरे साथ,
और एक आपको बता रहा है यहाँ पे रेगुलर ड्रॉइंग्स, रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका, जो बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं उन्हीं को क्वेश्चन के रूप में करा रहा हूँ और कुछ नहीं बचे। कहता है कि आपका, मैं यहाँ इसको मिटा के नीचे कर देता हूँ, थोड़ा जगह बच जाएगा, समझ रहे मेरी मजबूरी, आप जगह बचाना चाहता हूँ बच्चे, अकाउंट्स के हम लोग बच्चे हैं ना, इसलिए। तो ये हो गया आपका रेगुलर ड्रॉइंग्स। कहता है कि ए का और बी का दो बंदे हैं, कहता है कि इनका जो परमानेंट ड्रॉइंग्स है, इन्होंने क्या किया है, आपका मान लो 1 लाख रुपए का विड्रॉ किया है, परमानेंट ड्रॉइंग्स। और बी का जो ड्रॉइंग्स है वो कहता है मान लो आपका 50,000 का अमाउंट है बच्चे, 50,000 रुपये का आपका। मेरी बात समझ आ रही है? मैं बहुत गंदा क्वेश्चन बना रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने बच्चे समझेंगे, लेकिन समझना होगा अगर हमारा टारगेट अच्छा है तो बच्चे, हमें कुछ समझने का मन कर रहा है तो। फिर कहता है कि जो रेगुलर ड्रॉइंग्स है ए का, वो कहता है कि मान लो आपका 40,000 का अमाउंट आपका है, और बी का रेगुलर ड्रॉइंग्स कहता है कि आपका यहाँ पे 20,000 का अमाउंट आपका है, 20,000 रुपये का अमाउंट आपका है। तो परमानेंट ड्रॉइंग्स ए का 1 लाख, बी का 50, रेगुलर ड्रॉइंग्स ए का 40, बी का आपका 20,000 रुपये आपका, ठीक है ना? हाँ जी सर। अब कहता है कि साल के एंड में, यानी कि 31 दिसंबर आपका 2016 का एंड, कहता है कि यहाँ पे फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट, वो कहता है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया है कितना लूँ बताओ जरा, आप बताओ कितना लूँ। चलो मैं 5 लाख रुपए का अमाउंट ले लेता हूँ, 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका यहाँ पे, 5 लाख ये आपका हो गया जी। फिर कहता है कि यहाँ पे, अच्छा मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, फिर क्या ऐड करना चाहते हो? तो एक तो ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे बात किया आपका ड्रॉइंग्स के बारे में, एक चीज़ और लिख रहा हूँ जी मैं यहाँ पे, इन्होंने क्या किया है, एडिशनल कैपिटल। चलो टफ क्वेश्चन बनाऊँगा, टफ क्वेश्चन, देखता हूँ क्या निकल के आता है। इन्होंने क्या कहता है कि एडिशनल कैपिटल दिया है, सर किसने दिया है? कहता है कि बी ने, सिर्फ बी ने, और मान लो कहता है कि 2 लाख रुपये इन्होंने बिजनेस में क्या किया जी, एडिशनल कैपिटल दिया है 2 लाख रुपये। बहुत गंदा क्वेश्चन बता रहा हूँ, मुझे पता है आज पता नहीं आपके साथ क्या क्या होने वाला है, बट कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे हैं सारी बातें मेरी। तो ठीक है, ए बी का कैपिटल हो गया, परमानेंट ड्रॉइंग्स हो गया जी, रेगुलर ड्रॉइंग्स हो गया, इनका एडिशनल कैपिटल आपका हो गया बी का, और प्रॉफिट जो 5 लाख रुपए कमाया है आपने, कहता है 5 लाख में एग्रीमेंट है कि यहाँ पे आपका सैलरी हमें देना है, इंटरेस्ट हटा देता हूँ इस बार आपका, अगला क्वेश्चन देख लूँगा। सैलरी कहता है जी हमें देना है रुपीज आपका 35,000 ए को, और कहता है कि रुपीज 25,000 हमें देना है बी को आपका। इसके बाद कहता है कि बस प्रॉफिट रेशियो जो होगा, प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो रेशियो कहता है कि मान लो इनके बीच में 1:1 का आपका होगा। रेशियो क्या बता रहा बच्चे, 1:1, यानी कि इक्वली डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। फिर कहता है इस क्वेश्चन में कि प्रिपेयर, प्रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहता कि बनाओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड कहता है कि बनाइए, एंड यहाँ पे आपको बोल रहा है जी बनाएं आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कहता कि फिक्स्ड कैपिटल जो मेथड होगा उस मेथड के अंदर में, कहता है जरा बताओ आप यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाओगे। ये हमारा क्वेश्चन आ गया आपका। मेरी बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। आओ जरा मैं शुरू करता हूँ, बहुत गंदा क्वेश्चन है, आज तक आपके एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टफ क्वेश्चन है, आपके लिए बड़ा सिंपल लगेगा। देखिए जरा कैसे आपको, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया जी आपके साथ यहाँ पे सॉल्यूशन। पहले मैं बनाऊंगा आपके साथ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आपके साथ बनाया यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप जरा मुझे ये बताओ कितने पार्टनर्स हैं बच्चों? 2। सर कॉलम कितने बनेंगे? 3। नहीं बच्चे 3 क्यों, आपको 2 कॉलम बनाने, 2 ही पार्टनर्स है ना, तो 3 कॉलम क्यों बनाएंगे आप यहाँ पे? आप एक काम करना, यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, एक पार्टनर आपका यहाँ पे ए है, दूसरा पार्टनर आपका बी है, एक पार्टनर ये है, दूसरा पार्टनर यहाँ पे कहता है कि बी है, 2 पार्टनर यहाँ पे। आओ शुरू करता हूँ, आओ शुरू करता हूँ। मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट जो स्टार्टिंग में इनका बता रहा है आपका, वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में कि डेबिट में? सर क्रेडिट में। कैपिटल का हमेशा, चाहे भगवान भी नीचे आ जाए, चाहे धरती ऊपर क्यों ना चला जाए, चाहे ये संसार ही खत्म क्यों ना हो जाए, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस को दिखाएगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस को आपका। तो 7 लाख रुपए आपका यहाँ चला गया, 7 लाख का जी ओपनिंग कैपिटल है,
और बी का कहता है कि यहाँ पे कैपिटल आपका 3 लाख का अमाउंट आपका है, 3 लाख का अमाउंट। आप समझ रहे मेरी बात सर? हाँ, हमने लिखा यहाँ पे। तो आप देखो ना, ए बी का कैपिटल हो गया। अब मुझे बताओ, दो ड्रॉइंग्स हैं, एक रेगुलर एक परमानेंट। मुझे बताओ कौन सी ड्रॉइंग्स को मैं पार्टनर्स कैपिटल में लिखूँ? याद रखना, फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहा हूँ, फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि फिक्स कैपिटल मेथड में कौन सी ड्रॉइंग्स है जो कि पार्टनर्स कैपिटल में आएगी? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपने बिल्कुल ठीक बोला बच्चे। आपने कहा कि सर परमानेंट जो ड्रॉइंग्स होगा, यानी कि जो ड्रॉइंग्स कैपिटल में से होता है, उन ड्रॉइंग्स को आप यहाँ लिखो। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या जी? टू बैंक अकाउंट भी कह सकता हूँ, टू कैश भी कह सकता हूँ, टू ड्रॉइंग्स भी कह सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग सेम आपका है। तो आप बताइए ए का परमानेंट ड्रॉइंग्स कितना है? सर 1 लाख रुपए। तो आपने क्या किया, 1 लाख यहाँ लिखा। आप बताओ बी का ड्रॉइंग्स कितना है जी? सर 50,000 रुपये। तो आपने यहाँ लिखा 50,000 का अमाउंट आपका। तो ए बी का कैपिटल आपका यहाँ पे हो गया, और ए बी का आपने क्या किया जी, यहाँ पे ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड किया। कौन सा ड्रॉइंग्स? परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका, परमानेंट ड्रॉइंग्स। ठीक है, और कुछ? हाँ जी सर, कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल दिया था किसने? बी ने दिया। बच्चे जरा बताओ, अगर बी कैपिटल देगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। तो यहाँ लिखिए, आप लिखेंगे बाय। जरा बताओ क्या दिया होगा? ये मानते हुए कि पैसा बैंक के थ्रू दिया गया है, आप यहाँ पे बाय बैंक, बाय कैश कुछ भी लिख सकते हैं। और हाँ, कैपिटल हमारा कितने से बढ़ गया जी? 2 लाख रुपये से आपका। तो आपने क्या किया, 2 लाख रुपये आपने कैपिटल को बढ़ा दिया। यही हुआ ना बच्चे? सर हाँ जी। तो ठीक है, तो आप देखो ना, 3 लाख पहले से था यार, 2 लाख रुपए आपने और दिया, 5 लाख रुपए हो गया। 5 लाख में आपने 50,000 बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है। आप बताओ 5 लाख में 50,000 विड्रॉ कर लिया, तो आपके पास एंड में टू बैलेंस सीडी आपका कैपिटल कितना बच जाएगा? 3 × 2 = 5 - 50, ये 4.5 लाख रुपए का अमाउंट निकल के आ गया, 4,50,000 आपका। ठीक है, ये आ रहा बच्चे बैलेंसिंग फिगर। अच्छा जरा ए का देखना, 7 लाख का कैपिटल था, 7 लाख में से आपने 1 लाख विड्रॉ कर दिया, तो जरा बताओ कैपिटल यहाँ कितना बच गया? सर 6 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 6 लाख। तो आपने क्या किया, ये लिखा जी इनका कैपिटल अकाउंट। खत्म हो गई बात आपका, बात खत्म हो गई। कहाँ कुछ दम है जरा बताओ ना, आप बताओ कहाँ कुछ दम है? हमने कैपिटल अकाउंट तो बनाया, हमने कहा कि ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल को ऐड करो, क्लोजिंग को ड्रॉइंग्स माइनस करो। कौन सा ड्रॉइंग्स? परमानेंट क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। यही बात तो पिछली क्लास में सिखाया था मैंने, कि आपको नोट में लिखा था जी, दो चीज़ें यहाँ पे आ सकते, दो चीज़ें यहाँ पे, आपका काम खत्म हो गया। क्या कैपिटल अकाउंट का जरा बताओ ये कौन सा बैलेंस आ गया? ये तो डेबिट में आ गया, जो डेबिट आ गया। और हमने नोट लिखा था यार कि इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ होगा आपका? क्रेडिट में। आप सुन रहे मेरी बात सर? कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कैसे आ गया? आपका सवाल ही गलत है, आप समझते क्यों नहीं? अभी अभी नोट लिखाया था कि कैपिटल का जब बैलेंस की बात की जाएगी, क्रेडिट या डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस की बात की जाती है, ओपनिंग। आप मुझे बताओ ना कि जो क्लोजिंग आपका यहां पे आया, अगर अगले साल की अकाउंटिंग करूंगा तो अगले साल ये डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? सर क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। अरे क्रेडिट बैलेंस हो गया ना बच्चे? सर हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब समझ में आया। यानी कि सर आपने जो नोट लिखाया था उसमें आपने कहा था कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट में आएगा, और स्वाभाविक सी बात है कि ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस तब आएगा जब क्लोजिंग कहाँ पे आएगा बच्चे? आपका डेबिट में आपका निकल के आएगा। यही बात है ना सर? हाँ। अच्छा 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 ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई सर, ये बातें समझ में आ गई, हमारा काम खत्म हुआ। आप जल्दी से बना दो करंट अकाउंट आपका, काम खत्म करो यहाँ पे। तो आइए मैं करंट अकाउंट यहाँ दिखा देता हूँ, है ना, जगह मेरे पास कम है, नीचे जगह नहीं है बच्चे, आपको दिखेगा नहीं, मजबूरी है, मैं यहाँ बनाता हूँ, लिखिए मेरे साथ। अरे ये क्या किया हमने, अरे ये क्या कर दिया, ओहो ये तो हमने जोश में कैपिटल अकाउंट बना दिया, लेकिन प्रॉफिट का तो डिवीजन किया ही नहीं, गलती कर दिया ना बच्चे। हाँ सर गलत कर दिया, माफ कर दो, आप माफ कर दो मुझे, ये गलती आज के बाद दोबारा नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं। पहले हमेशा हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे बच्चे, फिर इसको बनाना शुरू करेंगे, बट चलो कोई बात नहीं। हमें पता था कि प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आना था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ बना भी दिया। बट आप ये काम कभी नहीं करना, पहले हमेशा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा। तो आप मुझे माफ़ कर दो बच्चे, माफ़ कर दो इस बार। मैं काम करता हूँ,
मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ जो हमें पहले बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने मुझे माफ कर दिया ना, बोलो कर दिया ना बच्चे? सर हाँ जी सर, चलो कोई बात नहीं, आगे से गलती नहीं करना। मैंने कहा ना अब नहीं करूँगा गलती, में माफ कर दो यहाँ पे मुझे। आप जरा, मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे बनाना एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए प्रॉफिट कितना कमाया, 5 लाख। तो आपने कहा यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है वो आपका अमाउंट निकल के आ रहा कितना जी, 5 लाख रुपए का अमाउंट, आपको 5 लाख का अमाउंट, ठीक है। फिर कहते हैं कि सैलरी पे करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बताइए, टू सैलरी। हमने यहाँ लिखा जी सैलरी, आप ए जरा बताओ ये सैलरी कहाँ ऐड होगा, एक एक कैपिटल में कि एक एक करंट अकाउंट में, जरा मुझे बताओगे ये सैलरी कहाँ ऐड होगा, एक एक कैपिटल में कि करंट में? सर ये तो करंट अकाउंट में जाएगा, फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में जाता है। तो आप यहाँ बोलेंगे कि ये जाएगा जी एज करंट अकाउंट में, एज करंट अकाउंट में आपका। आप बताओ कितना अमाउंट हो गया एक ही सैलरी, सर 35,000, 35,000 रुपये। तो आप एज करंट अकाउंट में लिखिए, आपका अमाउंट चला गया 35,000, 35,000 रुपये। और बीज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट बी के करंट अकाउंट में अमाउंट कितना चला गया जी, 25,000। तो 35,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये मिलके कितना आपका हो गया सर, 60,000। आप एक काम करूं मैं इसको मैं मिटा दूं, क्योंकि आंसर से कहीं कन्फ्यूजन ना हो। हाँ जी सर मिटा लो, ये हमने समझ लिया, ये आपका काम खत्म हो चुका है। ये लो, अब कहता है कि प्रॉफिट रेशियो आपका इक्वली है। तो आपने क्या किया, अब कहा यहाँ पे टू बैलेंस प्रॉफिट, आपने कहा कि जो बैलेंस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आपने ट्रांसफर करना है जी, एक तो एज कैपिटल अकाउंट में और एक आप करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट में आपका। यानी कि जो बैलेंस प्रॉफिट आपका बच गया वो ए और बी में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो मुझे बताओ 5 लाख में 60 का डिवीजन हो गया, प्रॉफिट कितना बच गया बच्चों? सर ये 4,40,000। और कोई बताएगा कि अगर रेशियो आपका इक्वल है तो कितना कितना हो जाएगा? सर 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये आपका। तो आप देखो ना यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 5 लाख, और यहाँ भी हो गया आपका 5 लाख, 5 लाख 5 लाख। यानी कि जो प्रॉफिट हमने कमाया था हमने उसको डिवाइड कर दिया, हो गया ना डिवीजन सर। हाँ अच्छा चला बताओ, एग्जाम में पहले क्या आप ये बनाओगे? नहीं सर, पहले मैं ये बनाऊंगा, फिर मैं ये बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आइए जरा मैं आपके लिए बनाता हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आज, पहले मुझे ये बनाना था लेकिन जोश में आ गया था बच्चे, मुझे लगा था कि मैं बहुत कुछ आपको एक बार में ही समझा दूँ, इसलिए मैंने गलती की, आगे से गलती नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा थोड़े होता है, आप भी कभी कुछ गलती करें तो माँ बाप से माफ़ी मांगें, दोस्तों से माफ़ी मांगें, क्या दिखा जाता है इसमें यार। अरे ए है और दूसरा बी है, एक ए दूसरा बी आपका, बात समझ में आ रही है सर? हाँ, अब मैं क्या करूँगा, तो आइए जरा इसको शुरू करता हूँ जी। मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में मैंने करंट अकाउंट का कोई बैलेंस बताया आपको? नहीं सर, नहीं बताया। अच्छा नहीं बताया, क्या मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे? ऐड कर दूँ, बिना उसके भी काम हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा गंदा क्वेश्चन बना दूँ, चलो वो भी ले लेते हैं। तो आप एक काम करना जी, यहाँ पर लिखो आप जरा स्टार्टिंग में ही करंट अकाउंट। सर स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिखा था, ऐसे ही बचे, क्या फर्क पड़ता है? अरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, बीच में ऐड भी किया तो क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ लिखना है, यहाँ पे लिख दो यहीं पे जी कि करंट अकाउंट ए का और बी का। ए का कहता है कि मान लो यहाँ पे 40,000 का अमाउंट आपका है जी, और बी का कहता है मान लो यहाँ पे 60,000 का अमाउंट आपका है, 60,000 रुपये का अमाउंट आपका, 60,000। कुछ बातें आपसे कर दी, आप मुझे बताओ कि अगर मैं सिर्फ कहूं करंट अकाउंट, अभी अभी नोट लिखाया था कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, पहली बात अब झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हमेशा ओपनिंग के लिए होता है, यानी कि ओपनिंग में या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या ओपनिंग में डेबिट बैलेंस होगा, यही कहा था ना मैंने आपको सर? हाँ जी। अब देखो परेशानी क्या निकल के आ गई, परेशानी ये निकल के आ गई कि मैंने आपको करंट अकाउंट का बैलेंस तो बताया, लेकिन मैंने यानी कि क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया कि ये बैलेंस आपका डेबिट है कि क्रेडिट है, कहाँ बताया मैंने आपका? आप मुझे बताओ ना कि अगर क्वेश्चन आपको ना बताए कि बैलेंस डेबिट या क्रेडिट, तो आप फिर क्या मानेंगे?
आप बताओ क्या मानेंगे आप? तो सर आप ही बताओ ना, क्यों बताऊं मैं? अरे अभी अभी नोट लिखाया था कि यूजुअली करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, लिखा था ना हमने आपको, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? सर लिखाया था आपने। आप सर गुस्सा क्यों कर रहे? गुस्सा नहीं कर रहा बच्चे, मैं तो बस बता रहा हूँ आपको, जोश डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं। अरे मैंने लिखा था कि यूजुअली करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो मेरे सिर्फ कहने का इतना मतलब था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन में बोला कि करंट अकाउंट इतना है, लेकिन आपको अगर नहीं बताता कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप उसको क्या मानेंगे? सर वही जो आपने लिखा था यूजुअली, यानी कि आप इसको मान लेंगे क्रेडिट बैलेंस आपका, क्रेडिट बैलेंस। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? सर हाँ हम समझ रहे हैं सर, आगे बढ़ो आप, आज कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो कहा, टफ कॉन्सेप्ट है बट सिंपल बात है यार। करंट अकाउंट में भी पैसा हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस ही दिखता है, लेकिन डेबिट तभी दिखेगा जब क्वेश्चन बोल देगा कि भैया डेबिट बैलेंस, अदरवाइज कभी नहीं। तो आइए जरा फटाफट मैं इस करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस को यहाँ लिखूंगा। मैंने लिखा बाई बैलेंस बीडी, मैंने लिखा बाई बैलेंस बीडी आपका यहाँ पे। आप मुझे बताओ ए का अमाउंट कितना आपका है? 40,000। तो आपने लिखा जी यहाँ पे 40,000 रुपये का अमाउंट। जरा बताओ बी का बैलेंस कितना है? 60,000। तो आपने यहाँ लिखा 60,000 का अमाउंट आपका। यहीं पे क्वेश्चन कह देता कि ए का डेबिट बैलेंस है, तो क्या फर्क पड़ता यार? जो हमने बाई बैलेंस बीडी ए का यहाँ लिखा, यहाँ बोले थे टू बैलेंस बीडी आपका, खत्म होगी बातें, बाकी बातें तो वैसे ही होगी जैसे आप जानते हैं। अच्छा 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 ठीक है सर, आगे बताओ ना, बहुत मजा आ रहा है सर, कुछ है नहीं इसके अंदर में। अरे हाँ ये तो हो गया। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर में जो परमानेंट ड्रॉइंग्स था, इसकी रिकॉर्डिंग तो आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। क्या बच गया आपका? रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका, रेगुलर। और हमने कहा था जो रेगुलर ड्रॉइंग्स होंगे वो सब कहाँ से निकाले जाएंगे? करंट अकाउंट से आपका, है ना। तो आप जरा बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? आप कह देना या तो टू बैंक अकाउंट, या कह देना टू कैश अकाउंट, या कह देना टू ड्रॉइंग्स, क्या फर्क पड़ता है? मीनिंग सेम ही तो है आपका। तो आप देखो 40,000 के ड्रॉइंग्स यहाँ और 20,000 के ड्रॉइंग्स आपका यहाँ, ये लिखा हमने। एक सवाल फिर से आपका आ गया, सिर्फ बात बताओ आपने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, यहाँ पे लिखा टू बैंक या टू ड्रॉइंग्स आपने, और यहाँ पे लिखा टू बैंक या टू ड्रॉइंग्स। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ड्रॉइंग्स आपने परमानेंट यहाँ लिखी है और रेगुलर यहाँ लिखी है? आप चिंता ना करना, एग्जामिनर आपसे इंटेलिजेंट है, उसको पता है बच्चे कि आपने क्या लिखा हुआ है, उसको फिगर भी तो देख रहा है आपका, फिगर भी दिख रहा है। तो आपको टेंशन नहीं करना, आप बस अपना काम करो, एग्जामिनर के काम ना करो, उसकी टेंशन ना करो, उनको सब कुछ पता होता है। आगे बढ़ो आप, आगे बढ़ो। तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर दी आपका। अब देखो ना एडिशनल कैपिटल, क्या मैं उसको यहाँ लिखूँ? मैं यहाँ लिखूँ? नहीं सर नहीं, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, वो रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो रिकॉर्डिंग हो चुका आपका। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूँ जी? तो प्रॉफिट जो डिवाइड किया उसको तो यहाँ दिखाऊंगा, अरे दिखाऊंगा ना सर। हाँ जी, तो आइए, आपने कहा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, तो ए बी में क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? आपने बोला बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और लिखी इसके अंदर में जी आपने क्या बोला? आपने यहाँ पे आपने क्या दिया बच्चों? सैलरी हमने दिया है, हमने सैलरी पे किया है। ए को सैलरी हमने पे किया है 35,000, 35,000 रुपये आपका, और बी को सैलरी हमने पे किया है 25,000, 25,000 रुपये का अमाउंट आपका, 25,000 ठीक है। फिर आपने गलती कर दिया बच्चे, आपने इसे किसी ने मुझे नहीं बोला, माफ़ कर दो, ये प्रॉफिट का अमाउंट भी एज कैपिटल में थोड़े जाना था सर, यही तो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये भी करंट अकाउंट में ही तो आएगा सर, चिल्ला रहा था मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, माफ़ कर दो बच्चे, आज पता नहीं क्या हो गया, गलतियों पे गलती किए जा रहा हूँ। आप मुझे बार बार समझा रहे हो बट पता नहीं आपकी आवाज़ मेरे पास पहुँच क्यों नहीं रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, देर से सही पहुँची तो है मेरे पास, ये करंट अकाउंट में जाएगा, आपने ठीक बोला। तो आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एज करंट टू बीज करंट, आप ए बी में क्या बोलेंगे जी? आप कह देना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कह देना आप शेयर इन प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट का जो शेयर है वो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, जरा बताओ कितना जी? तो 2,20,000 का प्रॉफिट इनके हिस्से में चला गया एक हिस्से में, एंड 220 का प्रॉफिट चला गया बी के हिस्से में आपका, बी के हिस्से में चला गया 220 का अमाउंट आपका। खत्म हो गई बात हमारी, बात हमारी खत्म हो गई। अब तो हमें करंट अकाउंट को क्लोज करना, जरा देखो क्या निकल के आता है। तो 40,000 आपका कैपिटल करंट अकाउंट पहले से था जी, 35,000 की सैलरी हमने अकाउंट में आपकी ऐड कर दी,
आप जब चाहे लेके चले जाना, कोई टेंशन नहीं है। 2,20,000 का प्रॉफिट भी हमने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, तो अब टोटल आपका जो पैसा बिजनेस में करंट अकाउंट में हो चुका है दैट इज 2,95,000। लेकिन 295 में 40,000 आप विड्रॉ कर चुके हो, लेके जा चुके हो। तो अगर मैं 40,000 लेके जा चुका हूं तो अभी और मेरा बिजनेस में कितना रह गया, 2,55,000। ये हो गया बच्चे आपका टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जरा यहां चेक करना, बी का 60,000 पहले से था, 25,000 की सैलरी आपको मिला जी, और 2,20,000 का प्रॉफिट आपके हिस्से में ऐड किया गया, तो आपका टोटल अमाउंट जो बन गया दैट बिकम्स इक्वल टू 3,05,000, 3,05,000 रुपए। लेकिन 3,05,000 में 20,000 आपने विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स कर लिया, फिर भी आपका बिजनेस में 2,85,000 का यहां पे पैसा बच गया करंट अकाउंट में आपका, करंट अकाउंट में। खत्म हो गई बात आपको यहां, यही हुआ ना बच्चों? सर हाँ यही हुआ। अच्छा अब एक सवाल का जवाब दो, मुझे विश्वास है, पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप में से हर एक बच्चा सही बताएगा। मुझे ये बताओ कि जब मैं करंट अकाउंट अगले साल का बनाऊंगा, ये जो बना रहा हूं करंट अकाउंट आप मत बनाना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो बना लो चाहो तो ना बनाओ, रिविजन में आपको थोड़ा हेल्प करेगा जरूर आपका, छोटा सा बनाऊंगा बस ऐसे समझाने के लिए। ध्यान रहे ये आंसर का पार्ट नहीं है, ए और बी, ए और बी आपका। मान लो ये जो आपका था 2016 था बच्चे, ये हमने क्या किया 2016 का बनाया। अब मुझे बताओ कि पार्ट सॉरी कैपिटल नहीं, अगर मैं करंट अकाउंट बनाऊंगा 2017 का, 2017 का पूछ रहा हूं, तो बताओ ये जो यहां पे टू बैलेंस सीडी आया है क्लोजिंग बैलेंस, वो अगले साल का क्या बन जाएगा? अगले साल ये क्रेडिट में डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा बच्चे। सर जो इसका क्लोजिंग होता है वो अगले साल के आपका क्रेडिट में आएगा, अगर यहां पे डेबिट तो क्रेडिट जाएगा ना बच्चे। तो आप बोलेंगे कि बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी आपका ए का हो गया 255 और बी का 285। मैंने नोट यही तो लिखाया था कि करंट अकाउंट का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो क्रेडिट में आ गया। जब भी बैलेंस की बात होगी तो आप ये मत देखना कि यहां पे क्या लिखा, हमेशा बैलेंस अकाउंट्स में ओपनिंग के रिस्पेक्ट में कहा जाता है बच्चे। तो जरा बताओ अगर मैं पूछूं इसको देख के कि बताओ करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिख रहा है आपका, डेबिट या क्रेडिट, तो आप फटाफट पहले इसको लेकर आओ ओपनिंग में, फिर जवाब दो। यहां देख के नहीं, यहां मत बोला कि डेबिट में तो डेबिट बैलेंस बोल दूंगा, ना 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 ना, ना। आप इसको पहले आप ओपनिंग में लेकर आओ, फिर मुझे जवाब दो कि इसका कौन सा बैलेंस दिख रहा है। सर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस आपका, खत्म होगी जवाब फिर आपका, खत्म होगी बात। सॉरी आपने क्या बोला, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है आपका। तो ये हमने क्या किया जी, काम पूरा किया आपका, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने ये थोड़ा समझाने के लिए बता दिया कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, और कुछ खास मतलब नहीं। आप प्लीज इसकी कॉपी कर ले, आप इसकी कॉपी कर लीजिए। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन हुआ जहाँ पे हमने क्या किया, आपका बनाया प्रोपोर्शन अकाउंट, एक बनाया आपका कैपिटल अकाउंट, एक बनाया करंट अकाउंट, और फिर हमने काम पूरा किया आपका, ठीक है ना। फिर ठीक है सर, मैं इसे मिटा दूँ? हाँ जी सर इसे मिटा दो, ये काम हो गया, लिख लो फिर भी दो मिनट के लिए, आप लिख लो जरा यहाँ पे लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे तो चैप्टर बड़ा मजा आता है जी, पार्टनरशिप कितना मजा आएगा। आप कल को सुबह की किसी पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करोगे और वहाँ पे क्या होगा जी, आपको ये सब काम करने को मिल जाए, अकाउंटिंग करने को मिल जाए आपका, है ना, ये आप संभालेंगे यहाँ पे। लेकिन पता है पार्टनरशिप फॉर्म बहुत बड़ा रिस्की बिजनेस होता है बच्चे, बहुत रिस्की। इसमें मैं और आप मिलकर काम कर रहे हैं, मैं अपने घर का, आप अपने घर का, आपका माइंड अलग है, मेरा माइंड अलग है, पता नहीं कब हमारे बीच में झगड़े हो जाए, कब डिस्प्यूट्स हो जाए। तो इन डिस्प्यूट्स को अगर अगर देखा जाए, अगर हो गया तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे सपने चकनाचूर। आपके भी सपने थे, मेरे भी सपने थे, बड़ा होऊंगा, टाटा बिरला को पीछा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कहाँ कर पाया, पार्टनरशिप ही टूट गया। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है पार्टनरशिप के अंदर में खासकर कि आप बनाओ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर आपके पास जब आ जाएगा तो फिर सारे टेंशन खत्म हो जाते, जनरली खत्म हो जाते बच्चे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जितने भी डिस्प्यूट्स होने के चांसेज होते हैं आपके और मेरे बीच में, वो सारी बात वहाँ मेंशन की जाती है। सर एक मिनट कुछ बोला आपने, फिर से रिपीट करना। हाँ बच्चे मैंने कहा पार्टनरशिप डीड में वो सारी बातें होती हैं जिन बातों से मेरे और आपके बीच में शायद कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकता है, उनको हम क्या करते हैं वहाँ पे हम अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया यहाँ डिस्प्यूट्स नहीं होना चाहिए।
मतलब जी जैसे एक तो आपने देखा जी प्रॉफिट को डिवाइड करने के बारे में कि अगर हमें प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करना है तो हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट कर लिया, भैया इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतना बस काम खत्म, वहां झगड़ा नहीं हो सकता आपका। और फिर पार्टनरशिप में क्या कुछ और भी होता है? हाँ बच्चे, पार्टनरशिप डीड के अंदर में सिर्फ प्रॉफिट का डिविजन ही नहीं होता, और भी बातें होती है। पार्टनर्स के रोल क्या होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, वो भी उसके अंदर लिखा होता है। पार्टनर्स के पास क्या अधिकार होगा, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन कौन सा है उसको डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना, वो भी उसके अंदर लिखा होता है। मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे, सब कुछ लिखा होता है। तो मैं काम करूंगा, थोड़ा डिटेल में कब आऊंगा, ऐसे हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे इसके बारे में आपका थ्योरी के रूप में। लेकिन जब भी कोई चैप्टर हमारा एंड होगा तो चैप्टर के एंड में उस चैप्टर की पूरी थ्योरी मैं आपके साथ बताऊंगा। आप देखेंगे कि लगभग 90% थ्योरी तो हम न्यूमेरिकल के साथ ही खत्म कर चुके हैं, 10% थ्योरी बच जाएगा जो कि हम अलग से पढ़ लेंगे और काम खत्म। तो न्यूमेरिकल में भी पूरी मास्टरी, थ्योरी में भी पूरी मास्टरी आपका। देखता हूँ कौन हमसे आगे निकलता है, कौन निकलता है।